इंसान पहचाना जाता है अपनी फितरत से, उसकी पहचान उसका कैरेक्टर होता है। देखो आज स्कूल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है, टीचर्स के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी? जो तुम लोगों को बाहर से दिखते हो तुम्हारी पर्सनालिटी है, लेकिन व्हाट इज़ इनसाइड यू, दैट इज़ योर कैरेक्टर। जो हमारे अंदर है वो क्या है? हमारा कैरेक्टर है, जिसको हम क्या कहेंगे? किरदार कहेंगे, अखलाक कहेंगे, खुल्क कहेंगे। और हुजूर से बेहतर किसी का कैरेक्टर नहीं है। इसको भी कुरान सीधी राह के तौर पे बताता है, वَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ। अरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा खुल्क बड़ा अजीम है। अब मैं आपको बताऊं, हमसे कभी हमने आपने किसी ने बातचीत करते हुए किसी को सुना होगा, जो मेरे साथ सीधा चलेगा ना वो तो ठीक है, अगर जरा कोई टेढ़ा चला ना फिर मुझे देखना, मैं उससे ज़्यादा टेढ़ा बन के दिखाऊंगा। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, सीधे से सीधे, टेढ़े से टेढ़े? ये किसने सिखाया हमको? ये कुरान ने सिखाया, क्योंकि कुरान पाक पर नज़र नहीं, सीरत मुस्तफ़ा पर नज़र नहीं। हुजूर क्या करते थे? इसको समझाने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो भी इंग्लैंड में किया था। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, व्हाई इज इट दैट आई गेट एंग्री सो मच व्हेन समबडी टेल्स मी समथिंग, आई जस्ट एक्सप्लोड ऑन हिम। कुछ समझे आप? उसने कहा कि मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता हूँ, कुछ भी कोई मुझसे बात करता है तो मैं उससे जब आई जस्ट एक्सप्लोड ऑन हिम, मैं उसके ऊपर भड़क जाता हूँ। इसे मैंने दो चीज़ें समझाई थी। मैंने कहा बेटा जस्ट बी ह्यूमन, इंसान बनो। क्या बनो? फिर से बोलो। उसने कहा आई एम अ ह्यूमन, मैं तो इंसान ही हूं। मैंने कहा आई एग्री दैट यू आर ह्यूमन, बट योर कैरेक्टर इज स्टेटिंग अदरवाइज। तुम इंसान तो हो, मगर इंसान होना और है, और इंसान में इंसानियत का होना ये और है। इंसान तो सभी है। उसने कहा प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी, आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाइए। मैंने कहा व्हाट डू यू नो अबाउट अ ह्यूमन, हाउ अ ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ, हाउ वाज ही क्रिएटेड, इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया? तो उसने भी कहा, पढ़ा लिखा था, उसने भी कहा कि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी और पानी से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी और पानी से पैदा किया। मैंने कहा डिड यू एवर चेक द कैरेक्टर ऑफ द क्ले एंड वाटर, तुमने कभी मिट्टी और पानी के किरदार को टेस्ट किया है? मैंने कहा हाउ कैन आई, उसने कहा हाउ कैन आई टेस्ट दैट? मैंने कहा यू कैन जस्ट लेट इट फ्लो, आप मिट्टी को हाथ में लो छोड़ दो, पानी को हाथ में लो छोड़ दो, कहाँ जाता है? तो उसने कहा इट गोज डाउन। अगर आप मिट्टी को हाथ पे लेके छोड़ोगे तो कहाँ जाएगी? नीचे गिरेगी, ज़मीन पे गिरेगी। पानी को छोड़ दो कहाँ जाएगी? ज़मीन पे जाएगी। मैंने कहा ओके हाउ वॉज शैतान क्रिएटेड? तो उसने कहा था शैतान वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ फायर, वो तो आग से बना है। मैंने कहा इफ़ यू लाइट द आग द फायर वेर इट गोज, अगर आप आग जलाते हैं तो कहाँ जाती है? नीचे या ऊपर? उसने कहा गोज अप। मैंने कहा दैट इज हाउ यू गो अप, यू एक्सप्लोड, यू बर्स्ट लाइक फायर, दैट इज नॉट इंसानियत। अ ट्रू ह्यूमन विल ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। सच्चा इंसान जो होगा, जो बड़ा होता है ना, वो हमेशा झुका होता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप गांव में जाके देखें तो जिस डाली पर फल होते हैं वो डाली हमेशा झुकी हुई होती है, जिस शाख पे फल होते हैं वो डाली हमेशा, वो शाख हमेशा नीचे झुकी हुई होती है, और जिस पे कुछ भी नहीं होता वो ऐसी ऊपर कड़क तनी हुई होती है। ये हमको सिखा रहे हैं कि कुछ अगर तुम्हारे अंदर है तो झुके रहो। किसी दरख्त पे आप पत्थर मारते हो, फल लगे हुए हैं, तो वो दरख्त वापस पत्थर देता है या फल देता है? जब एक
दरख्त में इतनी खासियत है कि अपने पत्थर मारने वाले को वो मीठा मीठा फल देता है, तो ए इंसान दो अल्फाज बोलने वाले को तू चार गाली देता है? ये टेढ़ी राह कुरान नहीं सिखाता, कुरान तो सीधी राह सिखाता है। आवाज़ आपकी नहीं आती है, पता नहीं है, ये कॉलोनी ऐसी है कि मैंने कहा आपकी आवाज़ को आ रहे तो पता नहीं ये कहाँ जा रहे हो रही है। बोलिए अल्लाह का शुक्र कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इज्तिमा चल रहा था, मैंने कहा ब्रिंग सम ऑरेंजेस, कुछ संतरे लेके आओ, ऑरेंज लेके आओ। टेबल पे रखवाया, एक तगड़े लड़के को उठाया मैंने, हमज़ा नाम था उसका। मैंने कहा हमज़ा यू कम हियर, टेक दिस ऑरेंजेस, स्क्वीज देम प्रॉपरली, उसको दबाओ अच्छे से और उसका रस निकालो, जूस देम। यू डोंट नीड अ जूसर, यू हैव टू बी द जूसर नाउ। तो जूसर नहीं लाऊंगा, तुम जूसर बन जाओ। तो उसने उसको अच्छे से निचोड़ के एक ग्लास को उससे भर दिया। मैंने कहा ओके योर जॉब इज ओवर नाउ, यू सिट डाउन। बैठ गया। मैंने एक दूसरे बच्चे को बोला कम, आई सेड लुक लुक एट दिस ग्लास, दिस इज फुल ऑफ जूस, नाउ यू हैव टू ड्रिंक दिस ग्रेप जूस, ये अंगूर का जूस आपको पीना है। तो उसने कहा वाह। मैंने कहा वाह। उसने कहा दिस इज नॉट ग्रेप जूस। मैंने कहा देन व्हाट इट इज, वो क्या है? उसने कहा दिस इज ऑरेंज जूस। मैंने कहा ओ इज इट ऑरेंज जूस, आई कैन सी इट इज ग्रेप जूस। बोलता नो दिस इज ऑरेंज जूस। मैंने कहा व्हाई कांट इट बी द ग्रेप जूस, ये ग्रेप जूस क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा फ्रॉम इनसाइड द ऑरेंज, ऑरेंज विल कम आउट, हाउ कैन अ ग्रेप कम आउट फ्रॉम द ऑरेंज? जब उसके अंदर ऑरेंज है, उसका पल्प ऑरेंज का है, तो उसके बाहर क्या निकलेगा? ऑरेंज ही निकलेगा, उसमें से ग्रेप नहीं निकलेगा। उसने कहा दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, इफ देर इज नफरत इनसाइड दैट विल कम आउट। कि हुजूर के सीने में सिर्फ मोहब्बत थी, इसलिए कोई कुछ भी बोलता तो मोहब्बत ही से जवाब दिया करते थे। तो व्हाट कम्स आउट, व्हाट इज इनसाइड, if you fill in with the mohabbat e rasul sallallahu alaihi wasallam, if somebody shouts at you, you will never shout at him. agar wo tum par chillata bhi hai, tum nahi chillaoge, kyunki tumhare dil mein sirf mohabbat hai, tumhare dil mein nafrat nahi hai. ye wo seedhi raah hai.